आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे। जब वो दिल्ली एम्स जाने लगे तो उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ गई। लगने लगा कि कहीं उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब तो नहीं हो गई। लेकिन अब उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल आज रूटीन चेकअप के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स गए थे और उनका चेकअप बिल्कुल सही है, यानी कि उनका सेहत बिल्कुल सही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की दिल्ली एम्स से निकलते हुए, आप साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बता दें कि आज जब वो दिल्ली एम्स जा रहे थे उस समय उनके तरफ से बड़ा बयान सामने आया। लालू प्रसाद यादव जो कि इन दिनों बहुत राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, सिर्फ बिहार की ही राजनीति में नहीं बल्कि देश की भी राजनीति में वो लगातार विपक्ष की एकजुटता में लग चुके हैं। शरद पवार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिससे लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों मुलाकात की। पिछले दिनों की ये बात है जब लालू प्रसाद यादव कपिल सिब्बल के घर पहुंचे। उनके जन्मदिन के अवसर पर डिनर पार्टी थी, उस दौरान कई विपक्ष के नेता वहां मौजूद थे जिसमें लालू यादव भी पहुंचे। इधर बता दें कि लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस वक्त वो दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स के निगरानी में है, उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि रांची हाई कोर्ट में चारा घोटाले के मामले में जमानत पर रिहा वो हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो बिहार नहीं आए। तो इसके पीछे सबसे बड़ी कारण रही है उनकी सेहत। इन दिनों वो अपनी बेटी मिसा भारती के आवास पर है, जहां पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ रह रही है। बात करें अगर उनके दोनों बेटों की तो तेजस्वी यादव भी इस वक्त दिल्ली में ही है और तेज प्रताप यादव भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। क्योंकि देखिए इस वक्त जिस तरीके से आरजेडी और लालू परिवार में घमासान छिड़ा हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है। और जगदा बाबू को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने की बात कर रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी कुछ बन नहीं रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो के कंधों पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है पार्टी के भी, ये जिम्मेदारी है उनके परिवार की भी, परिवार में टूट ना हो। लालू प्रसाद यादव की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि ना ही उनकी पार्टी टूटे और ना ही उनका परिवार टूटे। बेटों के बीच का टकराव, यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच का टकराव इन दिनों लालू प्रसाद यादव की परेशानी बन चुका है। वहीं लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली एम्स पहुंचे अपना रूटीन चेकअप के लिए। जब वो जा रहे थे उस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के मसले को सबसे पहले उन्होंने उठाया था, इसकी लड़ाई सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी, जिसके बाद कई सहयोगियों ने उनका समर्थन किया। उसके बाद इन्होंने सरकार के सामने ये मांग की कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। बता दें कि जब से वो जमानत पर रिहा हुए हैं वो लगातार ट्वीट करके ये बातें कह रहे हैं कि जब चूहे और बिल्ली की गिनती हो सकती है, जब कुत्तों की गिनती हो सकती है, तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। उधर जिस तरीके से आरजेडी में घमासान मचा हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच का टकराव अभी सबको पता है। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी बातें कही। ऐसे तो वो तेजस्वी यादव को अर्जुन कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को छोड़कर, नेता प्रतिपक्ष, बिहार के लोगों को छोड़कर आखिर दिल्ली क्यों चले गए। फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव भी तुरंत ही अगले दिन दिल्ली रवाना हुए। उधर तेजस्वी यादव ने भी तेज प्रताप यादव को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। बता दें कि इस वक्त उनके दोनों ही बेटे, यानी कि आरजेडी सुप्रीमो के दोनों बेटे दिल्ली में ही मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव इस वक्त अपनी बेटी मिसा भारती के घर रह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।